हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को देखा था। इसके अलावा हमने जाना था कि अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करना है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो उसकी वजह से क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और ये जो चेंजेज या परिवर्तन हो रहे हैं ये इंटरनल चेंजेज हैं या एक्सटर्नल चेंजेज हैं, और इन चेंज की वजह से, इन परिवर्तनों की वजह से हमारे प्रोडक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी व मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी पर क्या असर पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इन सारी बातों का ब्रीफ डिस्कशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है FMS की विशेषताएँ, यानी फीचर्स ऑफ FMS। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती हैं, यानी कि पारंपरिक उत्पादन प्रणाली हैं, उनकी अपेक्षा इन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, जिसकी वजह से कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा एडवांस मानी जा सकती हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। अब टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के कारण मिक्सिंग या फिर रूटिंग, इसके अलावा ऑपरेशन सीक्वेंसिंग को रैपिडली चेंज करना हो, तो ये सारे कार्य बहुत आसानी से टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मशीनीकरण की पुनः प्रोग्रामिंग योग्यता, जो हमारे मशीन टूल्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स हैं, इनकी एक और विशेषताएं हैं कि अगर हम चाहें या जब हमारा प्रोडक्ट का जो लॉट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम नए टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, हम नए प्रकार के प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मशीनीकरण की ये पुनः प्रोग्रामिंग की एबिलिटी है, योग्यता है, इसके आधार पर जो वर्क पीस हैं, डिफरेंट टाइप के वर्क पीस, इनकी मशीनिंग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग वर्क पीस पर अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग को करने के लिए जो टूल गाइडिंग है, इसको भी आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास संचालन के लिए पुनः प्रोग्रामिंग योग्यता, यानी जिस प्रकार से मशीनिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास ये रीप्रोग्रामिंग एबिलिटी थी, उसी प्रकार ऑपरेशंस के लिए भी हमारे पास रीप्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है, एबिलिटी होती है। उसके आधार पर मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस, इसके अलावा जो टूल चेंजिंग प्रक्रिया है, इन सब को हम बहुत आसानी से कवर कर पाते हैं, और ये सारे प्रोसेस हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कहीं ज़्यादा उन्नत बनाते हैं। ठीक है, तो इन सारे विशेषताओं की वजह से ही ये कहा जा सकता है कि जो हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ये कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक एडवांस है और एलिजिबल है, जिसकी वजह से हम वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो विशेषताएँ हैं, इनको हम जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जैसे मशीन टूल्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा कंट्रोलिंग हो गया, इसके बेसिस पर अगर देखें तो हमें कई सारी विशेषताएं नज़र आएंगी। जैसे कि प्रोडक्शन इक्विपमेंट, तो जो NC मशीन है, ठीक है, NC प्रोसेस, तो इसके अंतर्गत जो भी मशीन टूल हैं, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक बेसिक कंपोनेंट है, मूलभूत आधार कह सकते हैं, क्योंकि ये FMS की क्षमताओं, यानी जो इसकी कैपेबिलिटी है, और मशीन टूल की फ्लेक्सिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, मशीन टूल्स जितना हमारा फ्लेक्सिबल होगा, हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उतना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल माना जाएगा। मशीन टूल की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती हैं, जो यहाँ मेंशनड हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि जो अधिकांश फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होते हैं, उनमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पिंडल वाली मशीनों का
उपयोग किया जाता है, जैसे कि हॉरिजेंटल बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन इत्यादि मशीनें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। हालांकि कुछ भी हो, जो ये हॉरिजेंटल मशीन्स होती हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल स्पिंडल मशीन्स, इनकी तुलना में जो वर्टिकल स्पिंडल मशीन है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बातें हैं मशीन सेंटर की या मशीन टूल की। तो मशीन केंद्रों में किए जाने वाले सभी दिशाओं में, ठीक है, या किसी वर्क स्टेशन पर, मशीनिंग सेंटर पर, ठीक है, उसमें जितने भी मूवमेंट होते हैं, ठीक है, इन सब पर संख्यात्मक नियंत्रण यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए स्पिंडल की एक्स वाई तथा जेड अक्षों में गतियां करानी हो, या फिर जो वर्क पीस टेबल है जिस पर हमारा वर्क पीस रखा होता है, वर्क टेबल कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इन टेबल्स को टिल्ट कराना इत्यादि, कई सारी बातें फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को सुनियोजित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। अर्थात ये जो एक दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मशीन टूल्स के मूवमेंट हो या मशीन टूल में लगे हुए वर्क टेबल की मूवमेंट हो, इनके मूवमेंट को हम न्यूमेरिकली कंट्रोल कर लेते हैं, और जिस प्रकार से इनको हम अलग अलग एक्सेस पर मोशन देते हैं, मूवमेंट देते हैं, वो सारी प्रक्रिया हमारी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मजबूत करती हैं और उसे इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो मशीनिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, इनमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि टर्निंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई, कटिंग हो गई, थ्रेडिंग हो गई, ये कई सारे प्रोसेस हैं जो किसी एक ही मशीन सेंटर पर आराम से परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा इनमें पैलेट या बेड, ठीक है, बदलने के उपकरण लगे होते हैं जो आसानी से बदले जा सकते हैं, ठीक है, और ये पैलेट या बेड मशीन केंद्रों के अंदर दो या दो से अधिक मशीन केंद्रों के बीच ले जाए जाते हैं, यानी हम चाहें तो इसे चेंज टू मशीन सेंटर या वर्क सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं रहीं हमारी मशीन टूल की जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन इक्विपमेंट की विशेषताएं कह सकते हैं, जिसमें मशीन टूल्स की विशेषताएं, ठीक है, कटिंग टूल्स की विशेषताएं, होल्डिंग टूल्स की विशेषताएं इत्यादि इसमें शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम। अब जो प्रोडक्शन कार्य हमारा हो रहा है, ये ऐसा तो है नहीं कि सीधा कोई कंपोनेंट लिया और मशीन पर लगा दिया, ये सारे कार्य हम ऐसे जिस प्रकार से हमने बोल दिया ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास कुछ और साधन चाहिए, कुछ और वर्क होते हैं, जैसे कि जो मशीन टूल्स हैं, ठीक है, या वर्क पीस हैं। वर्क पीस मशीनिंग के बाद आप जानते हैं हीटअप हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो हीट है वो फ्रिक्शन इत्यादि के कारण जनरेट हो जाती है। अब मान लीजिए एक कोई हमारा वर्क पीस है जिस पर हमने मशीनिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है, ठीक है, अब इस मशीनिंग प्रक्रिया को अगर मैं हाथ से उठाना चाहूँ तो सीधी सी बात है हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक है, और जो वर्क पीस है अगर ये फ्रेजाइल है, ठीक है, तो संभव है ये गिरने से इसमें क्रैक इत्यादि आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को अगर हमें हैंडल करना है, सुरक्षित हैंडलिंग करनी है, तो हमें हैंडलिंग वर्क हैंडलिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो कई सारे ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए अलग अलग टाइप के टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे वे प्रोसेस हैं जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ताकि हम अपना प्रोडक्शन का कार्य आसानी से बहुत उच्च दक्षता के साथ और हाई क्वालिटी के साथ परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो इन सारे सिस्टम्स को हम सपोर्ट सिस्टम कह देते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली के अंतर्गत वे सिस्टम जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कार्य को सुदृढ़ करते हैं या फिर उसे करने में मदद करते हैं, सपोर्ट सिस्टम कहे जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत पैलेट्स, फिक्सर्स, औजार बदलने वाला यानी जो टूल चेंजिंग इक्विपमेंट हैं,
औजार की पहचान करने वाले पद्धति, यानी किस प्रकार के हमें टूल्स चाहिए कौन से कार्य के लिए। इसके अलावा कूलेंट, और सबसे बड़ी बात है जो मशीनिंग के दौरान चिप्स जनरेट होते हैं उनको हटाने वाले इक्विपमेंट्स आते हैं, और इनकी कई सारी विशेषताएं हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मशीनिंग की शुरुआत करने से पहले अगर हम किसी कंपोनेंट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर मशीनिंग करने वाले हैं, तो मशीनिंग की शुरुआत करने से पहले हमें अपने वर्क पीस को, यानी प्रोडक्ट को या जॉब को फिक्सर्स पर, जो उसको फिक्स करता है एक पोजीशन पर रोक के रखता है। ठीक है, हिंदी में इसे अस्थावक कह देते हैं, यानी किसी पोजीशन विशेष पर, स्थिति विशेष पर रोक के अस्थायी कर देना, ताकि फिर वहाँ से वो हिल डुल ना सके, जिससे ऑपरेशंस कार्य यानी जो मशीनिंग कार्य है वो बहुत आसानी से इफ़िशेंटली हो सके। ठीक है, तो फिक्सर्स या अस्थावक पर बांधा यानी फिक्स किया जाता है। इसलिए फिक्सर्स को इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इस पर फिक्स किया जाए तो बहुत ही कम समय में आसानी से फिक्स हो सके। ठीक है, इसके अलावा मॉड्यूलर फिक्सिंग विभिन्न प्रकार के जॉब को फिक्स करने का एक आकर्षक तरीका बनकर उभरा। यानी आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें प्रोडक्ट को या कंपोनेंट को या जॉब को फिक्स करने के लिए जो मॉड्यूलर सिस्टम है वो बहुत लोकप्रिय सिस्टम के रूप में है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वचालित स्टोरेज व जो सेफ्टी सिस्टम है, ठीक है, जो ऑटोमेटेड स्टोरेज और सेफ्टी सिस्टम्स हैं, तथा सामानों को जो यानी संभालने की जो वर्क हैंडलिंग प्रोसेस है, इनकी कई सारे प्रोसेस को यूज करने के लिए हमें फिक्सर्स के अत्यधिक इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी मशीन टूल हैं, ठीक है, या फिर मशीन सेंटर हैं या टूल्स स्टोरेज सिस्टम हैं, इसके साथ अटैच होते हैं, और इन्हें हम औजार पेटिका कह सकते हैं। ठीक है, औजार पेटिका प्रायः उपयोग में लाए जाने वाले औजारों की दुरावृत्ति होती है या पुनरावृत्ति होती है। यह सुनिश्चित करती है कि गैर क्रियाशील समय कम से कम हो, यानी जो नॉन परफॉर्मिंग टाइम है या नॉन एक्टिव टाइम है, ठीक है, वो क्या हो, कम से कम हो, और इन औजार पेटिका से ज़रूरी औजार को निकाल के तुरंत मशीन सेंटर पर फिट किया जाए और वर्क को आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा शीघ्र औजार बदलने का उपकरण यानी जो टूल चेंजिंग इक्विपमेंट है वो भी बहुत फास्ट प्रक्रिया का होना चाहिए, और कई बार कार्य करते करते जब टूल हमारा ब्लंट हो जाता है, अर्थात धुथरा हो जाता है, यानी उसकी जो धार है वो कम हो जाती है, तो उसको तेज बनाने के लिए यानी रीग्राइंडिंग जो सिस्टम है, किसी टूल को रीग्राइंड करने के लिए, तथा जो हमारे इक्विपमेंट्स बचे हैं उनको दोबारा प्लान के लिए भी जो सपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। इन सब तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी को इनक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिस्टम हो सकता है वो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स भी मेजर रोल अदा करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंतर्गत उसे फ्लेक्सिबल बनाने में। ठीक है, क्योंकि FMS में जो हमारे मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको संभालने वाले उपकरणों में रोबोट हो सकता है। ठीक है, स्वचालित या स्वनिर्देशित यानी सेल्फ गाइडेड गाड़ियाँ हो सकती हैं। आपने किसी बड़े प्लांट में देखा होगा जहाँ कंपोनेंट्स को एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन के लिए गाइडेड ट्रेन्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसकी सहायता से मटेरियल हैंडलिंग आसानी से हो जाती है। ठीक है, या फिर एक पटरी वाली रेल तथा अन्य रेल पटरियों वाली गाड़ियों और अन्य विशेष डिजाइंड गाड़ियाँ सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अगर आप कभी DLW जाएँ यानी डीजल लोको वर्क जो हैं, या फिर किसी टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैसे कि भेल इत्यादि में जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे किस प्रकार से
इन सेल्फ गाइडेड छोटी या बड़ी ट्रेन के द्वारा हम मटेरियल्स को आसानी से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। इनकी अपनी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं की वजह से ये मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाने में काफ़ी मददगार साबित होता है, ठीक है। इससे ये मेटल हैंडलिंग सिस्टम मशीन केंद्रों व फिर स्टोरेज केंद्रों, ठीक है, या सेफ्टी जो सिस्टम सेंटर्स होते हैं इनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आइसोमेट्रिक पार्ट्स हैं उनको संभालने वाले पद्धति में वैकल्पिक पैलेट फीचर्स का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और इनके लोडिंग व अनलोडिंग करने व मशीन केंद्रों के बीच घूमने के लिए औद्योगिक रोबोट का भी उपयोग किया जा सकता है। यानी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इनको मशीन सेंटरों पे लोडिंग करना, या लोडिंग का मतलब है किसी वर्कपीस को मशीनिंग के लिए या ऑपरेशंस के लिए प्रोसेसिंग के लिए मशीन टूल पे स्टेबल करना, लगाना। और अनलोडिंग का मतलब है जो प्रोसेस्ड हो चुका कार्य है वहाँ कार्यखंड यानी वर्कपीस है उसे वहाँ से निकाल के बाहर करना, ठीक है। तो इन सारे कार्यों के लिए हमारे पास ये जो रोबोटिक सिस्टम्स हैं इनके द्वारा रोबोट टूल्स का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें भी इसमें आपको आसानी से मिल जाएंगी और इसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूल आता है वो होता है इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है, जिसे निरीक्षण उपकरण या कंप्यूटर की कंट्रोल सिस्टम कह दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो हम ऑफलाइन इंस्पेक्शन करते हैं, हालांकि शुरुआती लेक्चर्स में हमने आपसे ऑनलाइन इंस्पेक्शन और ऑफलाइन इंस्पेक्शन की बातें की थी, ठीक है, इसके अंतर्गत ये जो इंस्पेक्शन सिस्टम है ऑफलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम में, जैसे कि CMM जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ठीक है, आती हैं। और ये मशीन बीमाओं को, ठीक है, इसेंट्रिसिटी को और पैरेलल भुजाओं को या परपेंडिकुलरनेस को अर्थात लंबवतता को या फिर किसी फ्लैट की फ्लैटनेस को यानी सतह की समतलता को आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मशीन केंद्रों से अच्छी तरह जुड़ाव का गुण इसे खास बनाती है। तो जब हमारा कंपोनेंट प्रोड्यूस होकर निकलता है तो उनके जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, प्राचाल हैं, उनको चेक करने के लिए जो CMM है यानी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, इनका उपयोग हमें उनको इंस्पेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये वह सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं या महती इनकी भूमिका होती है, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये जो FMS हम इतने देर से कह रहे हैं इनका मेन उद्देश्य क्या है या मेन लाभ क्या है इनसे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इससे कम आएगी, ठीक है। क्यों कम आएगी? क्योंकि आप समझ सकते हैं हमें किसी ऑब्जेक्ट में अगर कुछ ज़रूरी परिवर्तन करना है तो अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस करके उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इस प्रकार उस नए प्रकार के कंपोनेंट को बनाने के लिए हमें अलग से मशीनरी या किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास लोअर कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब जब एक ही मशीन पर कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे बन सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ग्रेटर लेबर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अब जब मशीन एक है उस पर कई सारे कार्यखंड बन रहे हैं तो उस पर कार्य करने वाले वर्कर की वर्केबिलिटी भी इम्प्रूव मानी जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मशीन की अधिक दक्षता। ऑब्वियस सी बात है मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि कई सारे टाइप के प्रोसेस या कई सारे वर्क ऑब्जेक्ट पर प्रोसेस ऑपरेशन हम एक ही मशीन के द्वारा कर सकते हैं तो उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सिस्टम रिलायबिलिटी, यानी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके रिलायबिलिटी यथार्थता में सुधार हो जाता है, ठीक है।
इसके अलावा एडॉप्टेबिलिटी टू कैड कैम ऑपरेशंस, ठीक है। और इस प्रकार से जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम न्यूमेरिकल कंट्रोल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और न्यूमेरिकल कंट्रोल पूरी तरह से कैड कैम सिस्टम पर आधारित है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कैड कैम सिस्टम को, यानी यूँ कहें तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास शॉर्टर लीड टाइम, ठीक है, यानी जो हमारा लीड टाइम होता है एडवांस टाइम वो छोटा हो जाता है, ठीक है। इम्प्रूव्ड इफिशियंसी, पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके साथ ही उत्पादन दर में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लाभ रहे जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, या यूँ कहें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने के बाद हमें इन सारे एडवांटेजेस को एंजॉय करने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एवरी कॉइन हैज टू फेस, ठीक है, सिक्के के दो पहलू हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने सारे एडवांटेजेस हमने आपको गिनाए हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है, उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इनिशियल सेटअप कॉस्ट इज हाई, ठीक है। अब हमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो मैंने आपसे कहा था कुछ, जैसे हॉरिजेंटल बोरिंग मशीन हो गई, वर्टिकल बोरिंग मशीन्स हो गई, इन मशीन्स की जो इनिशियल कॉस्ट होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि एक एक मशीन्स पर हम 50-50 टाइप के वर्क कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, पर इनकी जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है, और ऐसे मशीन्स पर ऑपरेशन का कार्य कोई ऑर्डिनरी लेबर नहीं कर सकता, उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जटिल सिस्टम है, मेंटेनेंस इज कॉम्प्लिकेटेड। जिस प्रकार से मशीनिंग प्रोसेस सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं तो उसका रख रखाव यानी मेंटेनेंस भी थोड़ा सा जटिल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेज रहे। हालांकि अगर हमारे पास रिक्वायर्ड कैपिटल है और हम अपने सिस्टम को फ्लेक्सिबल करने में सक्षम हैं तो नो डाउट हमें सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आगे चल के हमारे पूरे प्रोसेस को ज़्यादा इफ़िशेंट बनाने में योगदान देगा, ठीक है। लिमिटेशंस हैं कुछ इसकी, क्या लिमिटेशंस हैं ये देख लेना है। लिमिटेशंस का मतलब कि इसकी कुछ सीमाएं हैं, अर्थात इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हम नहीं कर सकते। तो पहली लिमिटेशन तो यही है, हाई इनिशियल कॉस्ट, यानी अगर हमारे पास रेवेन्यू की कमी है तो हम सीधी सी बात है अपने सिस्टम को फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते हैं। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, जो हाई वैल्यूड मशीन हैं ऑब्वियस सी बात है उनका मेंटेनेंस भी हाई ही होगा, ठीक है। इसके अलावा है वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक ही मशीन पर 50-50, 100-100 प्रकार के ऑपरेशंस हो जाते हैं, तो इन प्रकार के मशीनों के द्वारा बहुत सारे वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से FMS का उपयोग मध्यम मात्रा संख्या का मध्यम भिन्नता वाले उत्पादों के लिए किया जाता है, यानी जो हमारी ये FMS है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसका उपयोग मेनली हम मीडियम क्वांटिटी के, मीडियम वैरायटी वाले प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं, ठीक है। मीडियम क्वांटिटी में, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, और वैरायटी भी ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी हमारे किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को इफ़िशियंट बना सकती है और मार्केट के डिमांड को आसानी से फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में यहीं तक, और इसी के साथ हमारा ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट देखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।